नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश में लगातार बढ़ते वृद्धाश्रम बताते हैं कि माँ बाप तो अपने बच्चों का बोझ जिंदगी भर उठाने के लिए तैयार रहते हैं, तो वहीं बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप का बोझ उठाने को तैयार नहीं होते। माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार भी रहते हैं, चाहे उनके बच्चे को अति दुर्लभ बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही क्यों ना हो जाए, जिसके इलाज का खर्च करोड़ों में आता है। और इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता पिता आंखों में आंसू लेकर हर उस दरवाजे पर माथा टेकने को तैयार हैं जहां उनकी मदद हो जाए और उनके बच्चे की जिंदगी बच जाए। हम मंदारीपुर से आए हैं सर, इस बच्चे को दिखाने आए हैं। चल फिर नहीं पाता, इसको बुखार हुआ है बहुत तेजी से, कोई सुनाई नहीं है। कोई सुनाई नहीं है। और हम लोग का खेती बाड़ी गरीब आदमी, बेचेंगे तब भी नहीं 17 करोड़ का इंजेक्शन लगवा पाएंगे। सिर्फ हमारे बच्चे के लिए इलाज आप लोग करवा दीजिए और हम लोग इसी से पर सर बच्चे के लिए ही गुहार लगा रहे हैं हम लोग। किसी के पास तो जर जमीन भी नहीं है, वो भी हम कहाँ से बेच के इलाज करा पाएंगे। संपत्ति खेती बेच दे, खुद बिच जाए तब भी बच्चों का इलाज नहीं करा पाएंगे। मामला उत्तर प्रदेश से है जहाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पीड़ित बच्चों के माँ बाप की करुण दास्ता आपके सामने है। आपका भी दिल पसीज जाएगा, पर ना जाने क्यों हमारे हुक्मरान का दिल क्यों नहीं पिघलता, क्योंकि वो बीमार बच्चे माँ बाप की जिंदगी है और सरकार के लिए सिर्फ आबादी, जिसके रहने ना रहने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाएं तो जाएं कहां, माँ बाप हैं, अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते भी नहीं देख सकते, पर मजबूर हैं, गरीब हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। पर हाँ, जो कर सकता है उसके दर पर जाकर अपने बच्चों की जिंदगी बचाने की भीख जरूर मांग रहे हैं। तो मामला भी जान लेते हैं। मामला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पीड़ित बच्चों का, जिसका इलाज बड़ा महंगा है, जिसके चलते बच्चों के माँ बाप दर दर भटक रहे हैं। कभी यूपी के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के यहाँ जाते हैं तो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय। मंशा सिर्फ एक ही कि कैसे भी उनके जिगर के टुकड़े यानी उनके बच्चे की जान बच जाए। और जब सरकार से निराश हो जाते हैं तो पहुंचते हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से गुहार लगाने, जहां इनके लिए लड़ने की बात कही गई है और वादा भी किया गया है कि जान बचाएंगे जरूर। इस मौके पर उन ममता की मारी रोती हुई माओं ने अपना दर्द हमारे सामने बयां किया तो लगा काश हम भी इस काबिल होते तो इन माँ बाप को दर दर की ठोकरें नहीं खाने देते। पर जो काबिल हैं उनके लिए इन आंसुओं का शायद कोई मोल नहीं है। मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ये हमारे सारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हैं और हम लोग बृजेश पाठक जी के पास गए थे उनसे गुहार लगाने के हमारे बच्चों की दवाई की व्यवस्था करिए और उनकी आर्थिक मदद करिए, लेकिन वो हमारी बातों को सुने नहीं और गाड़ी में बैठे और बोले कि लेटर दे दीजिए, और वह लेटर ले कर और चले गए वहाँ से। और ये हमारे बच्चे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, ये बच्चे बताएंगे क्या कंडीशन है। इन बच्चों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, वो अपने हाथ पे बैठे हुए मच्छर तक नहीं मार सकते हैं, खाना खाने की तो दूर की बात है। इन बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी है, जो जेनेटिक बीमारी है, जो कि ये 5 साल से शुरू होती है और 20 साल तक जाते जाते बच्चों की अगर नहीं केयर किए तो डेथ हो जाती है। इसके पहले 3 बार हम बृजेश पाठक जी के पास जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के आवास पे 3 बार आ चुके हैं और मैडम हमारी मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिल भी चुकी हैं, वो बताएंगे आपको कि और राज्यपाल से भी हम लोग मिल चुके हैं। मैडम आपको विस्तार से बताएंगे, योगी जी के पास 3 बार जा चुके हैं। हम गोरखपुर तारा मंडल के रहने वाले हैं, हम 3 बार जनता दरबार योगी जी के दर्शन करने गए थे, उन्होंने लेटर लेके और अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए बस दे देते हैं और कते कॉल जाएगा, अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आता है और हम लोग परेशान हो गए। आज विपक्ष नेता अखिलेश यादव जी के तल पे आए हुए हैं, हम क्या नहीं, आज भी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है उनके प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार को आपकी बात रखेंगे और भारत सरकार तक सूचना पहुंचेगी और जब मुख्यमंत्री आएंगे तो आप लोगों को सूचना देंगे और बुलाएंगे आपको।
सर, हम मंदारीपुर से आए हैं सर, इस बच्चे को दिखाने आए, चल फिर नहीं पाता, इसको बुखार हुआ है बहुत तेजी से, कोई सुनाई नहीं है। हाँ, कोई सुनाई नहीं है। पहले भी इसके लिए प्रयास किया? दो तीन बार हो चुके हैं सर, कोई सुनाई नहीं करता है, घूम घूम के चले जाते हैं। 17 करोड़ का एक एक जनसन है सर, कहाँ से लगवा पाएंगे? सर इसका इलाज बन चुका है, वो 17 करोड़ का है सर। हम लोगों तो सारी संपत्ति खेती बेच दे, खुद बिच जाए तब भी बच्चों का इलाज नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि सरकार कुछ थोड़ी बहुत मेरी मदद करे तो हमारा मतलब कुछ बच्चे भी जीवित रह जाएं। अब माँ बाप के लिए सारे कुछ बच्चे ही होते हैं, और बच्चों की जब ऐसी हालत होती है तो माँ बाप क्या करें, रात दिन देखते। आप लोगों को डिगा तो केवल एक ही बार आए, हम लोगों को पूछो रात भर नींद नहीं आती है। बच्चे के दवा के लिए सर ब्रजेश पाठक को 3 बार हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग से कभी नहीं हूँ मिले। आज लेटर लेके धर लिए और बच्चे लोग को देख के गाड़ी पे चढ़ के चले गए, एक बार भी नहीं देखे कि बच्चे लोग कैसे हैं। और हम लोग का खेती बाड़ी गरीब आदमी है, बेचेंगे तब भी नहीं 17 करोड़ का इंजेक्शन लगवा पाएंगे। सिर्फ हमारे बच्चे के लिए इलाज आप लोग करवा दीजिए और हम लोग इसी से परेशान। नमस्कार सर, मैं मुगलसराय से आई हूँ, चंदौली जिले से आई हूँ, मेरा बच्चा भी पीड़ित है सर, बच्चे के लिए ही गुहार लगा रहे हैं हम लोग, किसी के पास तो जर जमीन भी नहीं है, वो भी हम कहाँ से बेच के इलाज करा पाएंगे। इतनी महंगी इलाज है जो विदेशों में, हम लोग कहाँ से उतना पॉसिबल है हम लोग के बस का। तो सर बस सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं कि सरकार हम लोगों की मदद करे। कितनी बार प्रयास कर चुका सर, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।